हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी ऑलमोस्ट सभी को बनाना आता है, लेकिन आलू की सब्ज़ी को अगर हम अलग अलग तरीके से बनाए जाएँ तो उसका स्वाद भी अलग आता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आलू की सब्ज़ी बनाना। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मीडियम साइज के आलू लिए हैं, तो इन सभी को पहले हम अच्छे से छील लेंगे। सारे आलूओं को हम पहले अच्छे से छील लेते हैं। तो सारे आलूओं को मैंने छील लिया है। अब काटने के लिए मैं यहाँ पे इनको सिर्फ दो भाग में डिवाइड करूंगी, कुछ इस तरह से। सारे आलूओं को मैं ऐसे ही काट लूंगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इन सभी आलूओं को काट लिया है। अब इनको अच्छे से हम दो तीन बार वॉश कर लेंगे ताकि इसका जो भी स्टार्च है वो निकल जाए। तो इसको हम अच्छे से दो से तीन बार अच्छे से धो लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी आलूओं को अच्छे से दो से तीन बार धो लिया है। तो अब हम एक बड़ा बर्तन लेते हैं, उसमें इन सभी आलूओं को डाल देते हैं। अब नेक्स्ट हमें जो करना है, जितने आलू लिए थे हमने उतनी ही हम प्याज लेंगे। तो प्याज को भी मैंने ऐसे तीन से बड़ी बड़ी प्याज ली थी मैंने, उनको ऐसे लंबा लंबा चॉप कर लिया है। ये इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ मैं अब इसमें डालूंगी दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। ये कम तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है, आप अगर ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये सब्जी मसाला है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर है। ये जीरा है, जीरा पाउडर आधी चम्मच, आधा चम्मच सौंफ है, और यहाँ पे ये कसूरी मेथी है। पहले मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था और फिर क्रश करके डाल रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये कम खट्टा दही है, दो चम्मच दही है, ये ज्यादा खट्टा नहीं लेना है। ये डाल देती हूँ मैं इसमें। आपके पास अगर धनिया पत्ती है तो आप वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ये मैंने पहले इसको गरम कर लिया था और ठंडा करके फिर इसको डाल रही हूँ। तो ये एक चम्मच सरसों का तेल है। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया पत्ती अगर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाली है। आलू की सब्जी हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देते हैं, तब तक की आगे की तैयारी करते हैं हम। तो नेक्स्ट, अब सब्जी को छौंक लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सामग्री ली है, तो वो है ये स्मोकी मस्टर्ड ऑयल है, जिसको मैंने गरम कर लिया था अच्छे से और ठंडा कर लिया है। तो ये दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल है, एक बड़े साइज का टमाटर है जिसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, यहाँ पे ये आधा चम्मच और चुटकी भर हींग है,
ये यहाँ पे चुटकी भर हींग है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 चम्मच जीरा है, 8 से 10 लहसुन की कलियां थी जिसको भी लंबा लंबा चॉप कर लिया है। यहाँ पे कुछ साबुत गरम मसाले हैं, खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी, जावित्री, चक्रफूल, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। तो चलिए फिर आगे की तैयारी शुरू करते हैं और आलू की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब गैस पे मैंने कुकर चढ़ाया हुआ है और गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है। साथ ही साथ मैंने इसमें 2 चम्मच जो हमने मस्टर्ड ऑयल लिया था उसको ऐड किया है, स्मोकी मस्टर्ड ऑयल है। उसको पहले गरम कर लेंगे, उसके बाद ठंडा कर लेते हैं, तो वो मैंने यूज किया है। तो तेल गरम हो चुका है, तो सबसे पहले मैं इसमें हींग ऐड करूंगी। उसके बाद हमने जो साबुत मसाले लिए थे, तेजपत्ता, दालचीनी, चक्रफूल और बड़ी इलायची, बड़ी इलायची का हम मुंह खोल लेंगे, टेस्ट अच्छा आता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा और साथ ही साथ मैं इसमें डाल देती हूँ लहसुन की कलियां और इन सभी को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भून लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। और टमाटर के साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। नमक डालने से टमाटर हमारा जल्दी गल जाएगा और पक जाएगा अच्छे से। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको भी रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब जो हमारा आलू का मसाला था हम उसको इसमें ऐड कर देंगे। मसाले को ऐड कर दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मसाला हमने ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है मसाला। अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही इसको भूनेंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जी भी अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो ज्यादा पानी का यूज नहीं करेंगे हम। जिस बर्तन में हमने ये मसाला बनाया था उसी बर्तन में हम 1/2 कप पानी डालेंगे। तो ये पानी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और 3 से 4 व्हिसल आने तक हम इसको पका लेते हैं। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर रखते हैं और 3 से 4 व्हिसल आने तक हम इसको पकाते हैं।
तो सब्जी हमारी बनकर एकदम तैयार है और कुकर भी ठंडा हो चुका है। हम सब्जी चेक कर लेते हैं, आलूओं को चेक कर लेते हैं कि अच्छे से पके हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एक चम्मच की मदद से इसको चेक कर लेती हूँ सब्जी को। तो ये देखिए आलू अच्छे से पक चुके हैं और सब्जी भी हमारी बनकर तैयार है। अब मैं इसको एक चम्मच की मदद से अच्छे से पहले मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, तो अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये देखिए, दिखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगेगी, क्योंकि अगर हम सब्जियों को अलग अलग तरीके से बनाएं तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और एक नया स्वाद मिल जाता है खाने के लिए। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, या अदर कोई एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।